अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें देखनी है एक्सरसाइज 2.4। उसमें क्या कहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव। हमने सिंपल डेरिवेटिव देखना सीख लिया है कि वेरिएबल्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स वगैरह, इनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। इसमें से इस एक्सरसाइज में से हमने जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो 31 to 58, वो आपने करने हैं। यहाँ पर 31 to 58 क्वेश्चन करने हैं उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि किस तरह से हमने डेरिवेटिव लेना है। आप सेकंड ईयर में सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अगेन रिपीट करते हैं कि कैसे लेना है हमने। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंक्शन गिवन है फॉर कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर कॉस एक्स। तो अप्लाई किया हमने डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, फॉर एक कॉन्स्टेंट है उसको साइड पे कर दिया, और कॉस एक्स के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। स्पॉटलाइट लेना, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? माइनस फोर साइन एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर थीटा हमें गिवन है। ठीक है, हमने इस पे क्या लगा देना है? क्वेश्चन टू लगा देना। जब डिवाइड में होते हैं तो इसमें क्या लगता है? जब भी दो वेरिएबल आपस में डिवाइड कर रहे हो तो कौन सा रूल लगता है? क्वेश्चन टू लगता है। और जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा है हमारे पास बटे में, तो हमारे पास क्या था? प्रोडक्ट रूल। अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया है, अगेन बताती हूँ कि डिवाइड में जो चीज़ है हमने उसका क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। फिर ऊपर हमें क्या करना है कि नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले वैसे के वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर यानी डेरिवेटिव साइन थीटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो क्या देगा? कॉस ऑफ थीटा। और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? वन, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी आंसर आ गया थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या लग रहा है? हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब आपको मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अगर टी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना। ठीक है, यानी कि जी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या गया? टी की क्यूब साइन टी। प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या था? जब फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक एक फंक्शन वैसे का वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे का वैसे पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, जी ऑफ टी इज इक्वल टू टी की क्यूब साइन टी है। तो जी ऑफ टी यानी ऑन बोथ साइड्स हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है। टी की क्यूब वैसे के वैसे ले लिया, साइन टी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। साइन टी वैसे का वैसे टी की क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन टी का डेरिवेटिव क्या देगा? कॉस ऑफ टी। और टी की क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3t2। टी की क्यूब कॉस टी प्लस 3t2 साइन टी। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया जी ऑफ टी का। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 1 माइनस कॉस ऑफ जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ जे। इसमें क्या होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेगा स्टूडेंट वो क्या है कि 1 माइनस कॉस जी ओवर 1 प्लस कॉस जी। ये भी हमारे पास वेरिएबल क्या है? बटे में है। तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है? क्वेश्चन ट्रू लग रहा है। डिवाइड में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस जी का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस जी ऊपर वैसे का वैसे ही, 1 माइनस कॉस जी का के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। माइनस माइनस साइन फार्मूले का है, याद रखना। और 1 माइनस कॉस जी वैसे का वैसे ही, 1 प्लस कॉस जी का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जीरो। और माइनस वैसे का वैसे ही, और कॉस जी का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन जी, यानी वो माइनस माइनस कर गया प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन जी। ठीक है, माइनस 1 माइनस कॉस जी, उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉस जी का डेरिवेटिव माइनस साइन जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। साइन जी को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, साइन जी को कॉस जी से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे माइनस माइनस कर गया प्लस, साइन जी को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और साइन जी कॉस जी से मल्टीप्लाई कर गया। ठीक है, ये दोनों कट गए, और बाकी जो दो बचे हमारे पास साइन जी, उनको हमने प्लस करवा दिया, ऐड करवा दिया। 2 साइन जी ओवर 1 प्लस कॉस जी का होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। उसमें हमारे पास क्या क्या फंक्शन गिवन है कि के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या है हमारे पास? कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। में अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले क्वेश्चन को, तो हमारे लिए डेरिवेटिव लेना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1 ओवर कॉस, अब कॉट एक्स को तोड़ दिया अगर हमने कॉस एक्स ओवर साइन एक्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेम वैसे का वैसे ही है कि आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे उसके ऊपर और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन
देख लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे की हुई, जैसे कि 53 में कैसे सिंप्लीफिकेशन किया, कोसेकेंट वी ओवर सेकेंट वी, इसको 1 ओवर साइन वी लिख लिया, इसको 1 ओवर कॉस वी लिख लिया, कॉस वी ऊपर चला गया, साइन वी बटे, जाहिर बात है बटे में वैल्यू तो वो बटे के बटे में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्वेश्चन में क्या है, कैसे सिंप्लीफिकेशन की हुई है, 1 प्लस की सेकंड ऑफ थीटा, 1 माइनस सेकंड ऑफ थीटा, 1 प्लस सेकंड ऑफ थीटा को तोड़ लिया हमने 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा में, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस 1, यानी वही वाली कंडीशन बन गई जो हमने पहले अभी सॉल्व करके आ रहे हैं, उसमें 1 पहले था और इसमें 1 बाद में है, बस जस्ट इसी तरह उसके ऊपर भी क्या है क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा, ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करनी है, देन आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है।